क्षेत्रवार तरीके अलग अलग हिस्से हैं, उनके भी आंकड़े हम अपने दर्शकों को जरा दिखा दें। सबसे पहले हम आपको दिखा रहे हैं यूपी के चुनावी हिसाब किताब में बुंदेलखंड बीजेपी, ये साल 2012 का है। जल्दी जल्दी दिखाइएगा क्योंकि लंबा आंकड़ा हो जाएगा। यहां पर 19 सीटों पर लड़ी थी, 5 सीटें बुंदेलखंड में समाजवादी पार्टी के पास आई थी, 25% इनका यहां पर वोट शेयर था। तेजी से बीएसपी दिखाइए जल्दी जल्दी, ये हम आपको एक बार कंपैरिजन जब दिखा देते हैं तो बुंदेलखंड में देखिए 3, 5, 7 और 4 यहां पर 2012 में बीएसपी ने बेस्ट किया था। अगला लाइन, हम आपको दिखा दे रहे हैं यहां पर बुंदेलखंड में बीजेपी ने एक तरफा स्वीप कर लिया था, 19 सीटें यहां पर आ गई थी। ये 2017 की बात है, पिछली बार जब ये जीते थे 45.90% वोट्स। चलिए अगला इलाका हम दिखाते हैं अपने दर्शकों को जल्दी से, तो कुल मिलाकर बुंदेलखंड में जो एक एक बड़ा योगदान रहा पिछली बार जो जीत भारतीय जनता पार्टी की रही है, पूर्वी उत्तर प्रदेश में अगर आप देखें तो 2012 में जब समाजवादी पार्टी ने पीक परफॉर्मेंस किया था, 101 सीटें एसपी की वहां पर आई थी, 30.46% इनका वोट परसेंटेज था। और जल्दी से 2017 का आंकड़ा यहां पर दिखा दीजिए क्योंकि यहां पर बाजी पलट गई और फिर 117 सीटें बीजेपी की यहां पर आ गई थी पूर्वी उत्तर प्रदेश में। देखिए इस बार किसानों के मुद्दे को लेकर बीजेपी परेशान थी और कृषि कानून वापस लेने का बड़ा फैसला माना जा रहा है कि पूर्वांचल की ही वजह से, पूर्वी उत्तर प्रदेश की ही वजह से लिया गया है। सबसे बड़ा झटका वहां पर लग सकता था किसानों को और जो 117 पिछली बार आई थी उनको वो समेट कर रखना चाहती थी। अगला इलाका जल्दी से दिखाइए, हम आपको अब मध्य उत्तर प्रदेश का आंकड़ा दिखाते हैं, सेंट्रल यूपी, जहां पर एसपी ने अच्छा परफॉर्म किया 2012 में 60% और 33% वोट था। जल्दी से 2017 का फ्लिप कीजिए, बाकी सब 7, 9, 3 आसपास थे और उसके बाद से 2017 में जब आप आते हैं तो बाजी पलटी और मध्य यूपी में भी 67 सीटें 41.71% वोट के साथ भारतीय जनता पार्टी की झोली में आ गई, बाकी सब सिमट कर रह गए 9, 2, 3 में। जल्दी जल्दी से अब इसी पर कंक्लूडिंग रिमार्क लेते हैं, पूर्वी उत्तर प्रदेश में क्या यही डर था सुधांशु जी जिसकी वजह से आपकी सरकार, विपक्ष का आरोप रहता है कि आप लोग बहुत घमंडी हैं सर, कभी वापसी की बात नहीं कर सकते हैं, लेकिन आपने कृषि कानून वापस लिया, ये पूर्वांचल का डर था क्या? देखिए उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं, पूर्वांचल में एक भी जिला नहीं था जहां किसान का आंदोलन चल रहा हो, पश्चिम के 10 जिलों में चल रहा था, इसलिए पूर्वांचल में किसी भी प्रकार की इस तरह की बात का कोई संभावना नहीं। हाँ बुंदेलखंड में एक बात बता देना चाहता हूं, जानते हैं कभी कभी क्या होता है, विकास की बात करते हैं, बुंदेलखंड विकास निधि केंद्र से आई थी, केंद्र में हमारी सरकार नहीं थी, इनकी सरकार थी, दो राज्यों को मिलती है उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश ने पूरा खर्च कर दिया था, उत्तर प्रदेश खर्च ही नहीं कर पाया था, क्यों? 2-3 विभाग जिनमें बटना था वो तय ही नहीं कर पाए, खर्चा कौन करे, क्यों किसको मलाई खानी हो, तय नहीं हो पाया था। इस ढंग के विकास के कार्यों के साथ जब होता है तो जो आपने देखा ना एकदम 0-0 बाकी हो गए और सारी की सारी सीटें हमको मिली। अच्छा, वो विकास बचा है क्या? पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, जल्दी जल्दी पूर्वांचल एक्सप्रेस वे और क्या सर, अभी डिफेंस कॉरिडोर, मतलब खाली फीता ही काटने पहुंच रहे हैं आप लोग हर जगह। Okay. और सब चुनाव के वक्त होता है सर। ये हवाई जहाज के फीते पे उतरा था क्या? अब दूसरी बात मैं कह रहा हूं, डिफेंस कॉरिडोर आज तक बताइए कभी अच्छा, उत्तर प्रदेश में डिफेंस कॉरिडोर रहा है? आपको बता है ब्रह्मोस मिसाइल भी अब उत्तर प्रदेश में बनने जा रही है, बता रहा, कभी हम लोग कल्पना नहीं करते कि दक्षिण भारत से बाहर आके हाईटेक इंडस्ट्री बनेगी। जैसे इनकी बुलेट ट्रेन चल रही थी ना वैसे ही बनाने जा रहे हैं, जैसे वो बना बनारस को क्यों बनाने जा रहे थे, क्या बाप रे बाप, रोड तो बना लो पहले, गड्ढा मुक्त नहीं कर पाए, घर के सामने की रोड तो ठीक कर लो, प्रभु आपके घर के पास ही घर है उसको भी ठीक कर लो, वही कर लो तो हम समझ जाएं कुछ कर लिया नहीं है। अरे भैया लखनऊ तो है भाई, नहीं चलेगा, हवाई सरकार आपकी है। और सुन लो, जब समाजवादी की सरकार थी तो समाजवादी जो एक्सप्रेस वे आगला एक्सप्रेस वे बड़ा जहाज उतारा था, उसी जहाज की नकल करके, उसी जहाज की नकल करके आपने जहाज उतारा, लेकिन पूर्वांचल एक्सप्रेस भी समाजवादी की देन थी और उसका भी शिलान्यास समाजवादियों ने किया था, शिलान्यास समाजवादियों ने किया था, 38% लैंड एक्वायर हो चुकी थी, उसका नाम भी समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेस था। उसका प्रूफ ये हुआ जब समाजवादी के वहां से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी निकले, आपकी योगी जी कहां जा रहे थे पता है, गाड़ी के पीछे पीछे, बैठा लो भैया हमने बनाया, बैठाओ, नहीं बैठाएंगे, ये आप सीएम की नकल कर रहे हैं। अरे सीएम ही तो कह रहे थे योगी जी बैठाओ भैया पीछे जा रहे, अरे हमको बैठाओ, गाड़ी आगे भाग गई। और सुनिए, और समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेस पे जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी निकले, रात रात भर तक लाखों का हुजूम था। किसके साथ है? मेरा सिर्फ ये मानना है कि किस कौन कैसे चल रहा था, किसने कैसे फर्जी फोटो शूट कराया, एक पर बायां हाथ, एक पर दाहिना हाथ, एक पर शॉल, एक पर अंगोछा, वो सारी बातें बेमानी है, होता है, आप लोग विज्ञापन जीवी हैं, आप लोग इवेंट जीवी हैं।
उत्तर प्रदेश की जनता ने मन बना लिया है कि आपकी हिटलर शाही नहीं चलेगी। कोरोना काल में अगर आप बोलेंगे आपकी संपत्ति जब्त हो जाएगी, बेरोजगारों को आप बोलेंगे आपकी संपत्ति जब्त हो जाएगी, आपकी हिटलर शाही नहीं चलेगी। ग्रेसफुली एक्सेप्ट करना जरूरी है। सिर्फ दो लाइन, सबको पता है आप आगे क्या करने वाले हैं, लेकिन उससे उसके भी डिमिनिशिंग रिटर्न्स हैं। आपको पता है मेरा इशारा किस तरफ है, जल्दी से। नहीं नहीं, इशारा बहुत साफ है कि ये इनकी पार्टी की जो स्थिति है, जो उपस्थिति दर्ज कराने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, ये सोचें कि खाली थाली दिखा के बहनों से ताली बटोर लेंगे तो नहीं होने वाला। जहां थाली भरी हुई है वहां हाथरस और शाहजहांपुर पे तालियां बटोरिएगा। ये सब मुद्दे नहीं समझती है, जल्दी से कंक्लूडिंग रिमार्क संजय जी। इससे पहले कि हम आपको बताएं, अब हर सप्ताह संजय जी के साथ मिलकर हम वहां से जो आंकड़े हैं वो आपके सामने रख रहे हैं एक पर्सपेक्टिव में, ताकि आप समझ पाएं सत्ता वापसी क्या योगी की हो सकती है, क्या ये मुमकिन है। जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर मामले पर ये कॉन्फिडेंट दिखते हैं, हालांकि हाथरस हुआ, उन्ना बहुत सारे मामले हैं सर, लेकिन बावजूद इसके वो उनका कहना है कि जिस तरह से उन्होंने अपराधियों के खिलाफ पुलिस को फ्री हैंड दिया, उससे लोग और भरोसा कर रहे हैं। क्या इस तरह के फ्लिप, ऐसा फ्री हैंड मिला कि भाग के पंजाब चले गए? इस तरह के फ्लिप खोजने में बड़े माहिर रहे लोग। ऐसा फ्री हैंड मिला कि विवेक, जल्दी से कंक्लूडिंग, जल्दी से। नहीं, कई बार ऐसा होता है कि जिन चीजों की चर्चा या जिन चीजों पर हम विचलित होते हैं स्टूडियो में या ऐसे माहौल में, और कॉमन मैन जब आम जनता से बात करते हैं तो शायद आम जनता उन चीजों को पसंद करती है। हम रूल ऑफ लॉ की बात करें और हम कहें कि अगर कोई अपराधी है उसको ठाए ठाए मार दो, तो हम तो कहते हैं कि नहीं, ये तो बहुत गलत है, ये कोई सरकार चलाने का तरीका नहीं है। लेकिन जनता से अगर हम बात करें, कॉमन मैन इसको समझते हैं कि भाई ये लॉ एंड ऑर्डर सुधारने का एक तरीका है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आम जनता यूपी में समझती है कि कानून व्यवस्था पहले से बेहतर है, कम से कम आम जनता तो ऐसी समझ रही है।